नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम विज्ञापन लेखन पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञापन लेखन क्या है, कैसे किया जाए, उसके ऐसे नियम या छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप विज्ञापन लेखन में पूरे में से पूरे अंक पा सकेंगे। विज्ञापन क्या है? असल में विज्ञापन सूचना देना, जानकारी देना अथवा किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रकाश डालना विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन के उद्देश्य क्या है? सूचना को सार्वजनिक करना विज्ञापन का उद्देश्य है, जानकारी देना भी विज्ञापन का उद्देश्य है, और किसी उत्पाद अर्थात किसी प्रोडक्ट की विक्री के लिए उसे प्रस्तुत करना भी विज्ञापन है। विज्ञापन के बहुत से प्रकार माने गए हैं, किंतु हम वही यहाँ पर समझेंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आज हम इसे पढ़ेंगे। तीन रूप से हम इसे बांट सकते हैं। सूचनार्थ विज्ञापन अर्थात सूचना देने वाले विज्ञापन, जन जागरण वाले विज्ञापन अर्थात जन जागृति अवेयरनेस लाने वाले विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन अर्थात उत्पाद और किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए जो विज्ञापन होते हैं वे आएंगे व्यावसायिक विज्ञापन में। तो सूचनार्थ विज्ञापन क्या होते हैं? व्यक्तिगत हित में लिखे जाते हैं और कुछ सार्वजनिक हित में लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत हित में हुए किसी की मृत्यु, आप पढ़ते होंगे कि हमारी जो है माताजी की मृत्यु हो गई, उनका उठाला इस दिन है, उनकी 13वीं इस दिन है, ये हो गए व्यक्तिगत विज्ञापन। गुमशुदा तलाश भी व्यक्तिगत विज्ञापन में आएगा। और सार्वजनिक हित के विज्ञापन हुए जो सूचना देने वाले हैं, उनमें नौकरी के विज्ञापन, हाउसिंग सोसाइटी के अनाउंसमेंट आदि के विज्ञापन। तो अगला हम देखते हैं जन जागरण विज्ञापन। इसमें क्या है? जन जागरण विज्ञापन में हम देखते हैं कि लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं वे होते हैं जन जागृति लाने वाले विज्ञापन। उसमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, छोटा परिवार, सुखी परिवार, पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि इस तरह के सब सामूहिक हित, सामाजिक हित वाले विज्ञापन होते हैं जो लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, जन जागृति लाते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन वे हुए जो कि कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पाद की विशेषता, तुलना, लाभ, उत्पाद का महिमा मंडन आदि करते हैं। महिमा मंडन यानी उसे बढ़ा चढ़ा कर बहुत उसकी तारीफ़ करके हमें बताते हैं और अपने आप वह हमारे दिमाग पर इतना हैमर करते हैं, इतना उसका प्रभाव छोड़ देते हैं विज्ञापन को बार बार दिखाकर, बार बार दिखाकर कि दुकान पर पहुँचते ही हमारे मुँह से अपने आप निकल जाता है उस प्रोडक्ट का नाम, उस उत्पाद का नाम, और हम वह खरीद लेते हैं। इस तरह हमारे दिल दिमाग पर उसका प्रभाव छोड़ना ही इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। उत्पाद का आकर्षक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है कि ये क्रीम लगाइए एक दिन में गोरे हो जाइए, इस तरह के जो वर्णन होते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोले जाते हैं, वही होते हैं व्यावसायिक विज्ञापन। तो आइए इन्हीं की विशेषताएं भी जान लेती हैं। सूचनार्थ विज्ञापन जिसमें सूचना दी जाती है वे कम शब्दों में होते हैं, भाषा अत्यंत सरल और सहज होती है, साज सज्जा का अभाव होता है इसमें, बहुत ज़्यादा साज सजावट आपको इस विज्ञापन में नहीं दिखाई देगी। जबकि जन जागृति के विज्ञापन कैसे होते हैं? कम शब्दों में तो होते हैं लेकिन तुकबंदिता होती है, आकर्षक होते हैं और उसकी लय और उसका जो आकर्षण है वह आकर्षित करता है। चित्रात्मकता भी इसमें होती है, सुंदर चित्रों से प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन कैसे होते हैं? आकर्षक भी होते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी होता है, तुकबंदिता भी होती है और चित्रात्मकता भी होती है। इस विज्ञापन का आकार पूरे पृष्ठ से लेकर तो आधा पृष्ठ, एक छोटा सा कोना, कुछ भी हो सकता है, यह मूलतः निर्भर करता है कि इस विज्ञापन के लिए कितने पैसे कंपनी ने दिए हैं। तो यदि बहुत बड़ी लागत में वो विज्ञापन बना है तो पूरा प्रथम पृष्ठ भी कई बार समाचार पत्र का यह कवर कर लेता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जन जागरण वाले विज्ञापन और व्यावसायिक विज्ञापन ही विद्यार्थियों से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जन जागृति वाले विज्ञापन का एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आरोग्य सेतु के प्रति लोगों में जन जागृति लाने के लिए विज्ञापन बनाया गया है, कोरोना से अब नहीं डरेंगे आप, आज ही डाउनलोड करेंगे आरोग्य सेतु ऐप। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों में जो है जागृति लाई जा रही है। आज ही गूगल प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षा दीजिए, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरह के विज्ञापनों में ये भी लिखा होता है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, साथ में आप यहाँ पर
एक एम्बलम, नेशनल एम्बलम अर्थात जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा चिन्ह, वह भी छोटा सा अपने हाथ से बना सकते हैं। आरोग्य सेतु आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार होते हैं जन जागृति वाले विज्ञापन। ज़्यादातर ये विज्ञापन जो है सरकारी विज्ञापन होते हैं। जब भी हम यह विज्ञापन बनाने के लिए यदि परीक्षा में आए तो आपको भारत सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी यह अवश्य लिखना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन कई बार लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। उनमें इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि यह विज्ञापन सरकार की तरफ से है और यह जो है आकर्षक शब्दावली का प्रयोग तो इसमें होना चाहिए, साथ में ही चित्र भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक विज्ञापन। कंपनी ने नए टायर लॉन्च किए हैं, टायर की खूबियां बताते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। TRF लाया है मजबूती में शानदार, सड़कों पर दौड़ने में दमदार। चीता टायर्स, दाम में कम रफ्तार में दम। TRF के सभी शोरूम में उपलब्ध, करोल बाग, विकास मार्ग, रजौरी गार्डन इत्यादि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चीता के साथ उस टायर की तुलना की गई है और चीता दौड़ता हुआ दिखाया गया है, साथ में दौड़ती हुई गाड़ी भी। आइए तो हम जान लेते हैं विज्ञापन लेखन के नियम। विज्ञापन किस तरह का है इस पर पहले विचार करना होगा कि यह व्यक्तिगत हित का है, किसी एक व्यक्ति की तरफ से विज्ञापन बनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है अथवा किसी कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो उनके हितों को और उनके टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर विज्ञापन डिज़ाइन किया जाएगा और लिखा जाएगा। तो किस तरह का है विज्ञापन इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले चित्र और तुकबंदी की योजना बनानी पड़ेगी कि कैसे चित्र आएंगे इसमें, इससे संबंधित चित्र क्या होगा और योजना इसकी हमें बनानी पड़ेगी कि तुकबंदी कैसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, अंत में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। चित्रकला में यदि आप अच्छे हैं तो रंगीन चित्र भी बना सकते हैं और हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी यह प्रश्न पूछते हैं क्या हम चित्र बना सकते हैं। विज्ञापन हेतु बॉक्स अवश्य बनाना चाहिए, एक बॉक्स के भीतर ही विज्ञापन हमें बनाना चाहिए। यदि कंपनी अथवा दुकान का नाम नहीं दिया गया है तो काल्पनिक नाम अवश्य लिखना चाहिए। कई बार विद्यार्थी कहते हैं आइए आइए और दो पुस्तकों के साथ एक पुस्तक मुफ्त में ले जाइए, ना वहाँ पर उन्होंने विद्यार्थियों ने किसी दुकान का नाम लिखा होता है ना दुकान का अता पता लिखा होता है, तो इस तरह का विज्ञापन अपूर्ण होता है और पूर्णता का उसमें अभाव है। तो कंपनी का नाम अथवा दुकान का नाम यदि प्रश्न में नहीं दिया गया तो काल्पनिक नाम अवश्य लिखना चाहिए। दुकान या कंपनी का पता भी अवश्य लिखना चाहिए। आइए आइए ले जाइए दो पेन के साथ एक पेन मुफ्त, लेकिन कहाँ जाइए यही नहीं पता, ये सब तो लिख देते हैं बच्चे, बड़ा सुंदर चित्र भी बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, दुकान का नाम नहीं, दुकान का पता नहीं, तो ये अवश्य लिखने चाहिए। यदि व्यक्तिगत विज्ञापन हो तो संपर्क सूत्र अवश्य लिखना चाहिए, व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर काल्पनिक लिख सकते हैं आप। अब जैसे एक विज्ञापन का उदाहरण मैं यहाँ उस पर चर्चा करना चाहूँगी कि एक बार विज्ञापन बोर्ड की परीक्षा में आया था कि अपनी पुरानी कार बेचने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब पुरानी कार शोरूम में तो मिलेगी नहीं, विद्यार्थियों ने अक्सर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने लिखा था नई नई चमचमाती गाड़ी आज ही ले जाइए होंडा के शोरूम से, तो शोरूम नहीं, यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है, ये व्यक्तिगत विज्ञापन हुआ कि यहाँ पर विज्ञापन में कहा गया है कि आपकी पुरानी गाड़ी का विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है आपकी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो आप अपनी पुरानी गाड़ी की विशेषताओं की चर्चा यहाँ करेंगे, साथ में अपना नाम, अपना संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी या अपना फ़ोन नंबर अवश्य लिखेंगे, जिससे संपर्क कहाँ करना है वो तो पता चले, जो ग्राहक है उसे यही नहीं पता होगा कि किसकी गाड़ी है, कहाँ बिक रही है या इस व्यक्ति से कैसे संपर्क करूँ मैं, तो यह अपूर्ण हो जाएगा विज्ञापन आपका। तो व्यक्तिगत विज्ञापन में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के द्वारा विज्ञापन जो है बनाया गया है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर या उसका ईमेल आईडी उसमें अवश्य दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक विज्ञापन है तो उत्पाद का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी विशेषता बताने वाला हो, मतलब कि जैसे चीता टायर्स, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया चीता टायर्स, चीता रफ्तार का प्रतीक है तो यहाँ टायर को ही चीता नाम दे दिया गया है, तो इस वजह से टायर की खूबी का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, चीता में जो खूबियाँ हैं वह उस टायर में खूबियाँ हैं। तो इस तरह ऐसे नाम हमें सोचने चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि प्रश्न में यह नाम नहीं दिए जाते, आपको अपने आप ही नाम सोचने होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित तौर पर यह आपको पूरे में से पूरे अंक दिलाएगा यदि आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।